उटपुट प्रोड्यूस करोडक्शन ऑफ टू आउटपुट तो यहां पर आइसो रेवेन्यू किस चीज को रिपोर्ट करेगा दिस आइसो रेवन्यू शोज द डिफरेंट डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ टू आउटपुट अगेंस्ट विच रेवन्यू ऑफ दर रिमेन सेम हाँ जी टोटल रेवेन्यू को आपको पता है किस चीज होता है टोटल रेवेन्यू इज ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस विद आउटपुट प्रोडक्शन फ्रूट एंड वेजिटेबल तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू किस चीज के इक्वल हो जाएगा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वेजिटेबल इंटू क्वानिटी ऑफ वेजिटेबल्स प्लस प्राइस ऑफ फ्रूट इंटू क्वान्टिटी ऑफ फ्रूट तो जब आप प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स और क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे हम ऑप्टेन कर लेंगे रेवेन्यू दैट फार्मर इज गेटिंग बाय प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स जब आप प्राइस ऑफ ऑफ फ्रूट्स को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा द रेवेन्यू दैट फार्मर इज गेटिंग बाई प्रोड्यूसिंग फ्रूट और इन दोनों को एग्रीगेट कर दू तो वो क्या होगा दैट इज द टोटल रेवेन्यू दैट अ फार्मर इज गेटिंग बाई प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जब आप इसी चीज को एक डायग्राम की फॉर्म में शो कर दोगे तो हम उसको कहते हैं दिस इज एन आइसो रेवेन्यू लाइन और ऐसे आइसो रेवेन्यू लाइन क्या होगी कि आइसो रेवेन्यू लाइन इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व ये बेसिकली आपके पास रिपोर्ट करेगा द रेट एट विच द प्रोडक्ट कैन बी एक्सचेंज इन मार्केट एंड स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू इज इक्वल टू माइनस जिटेबल्स एंड फ्रूट्स अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज मैं कहता हूं दिस इज एन आइसो रेवन्यू लाइन अ लाइन दैट रिपोर्ट सेम रेवन्यू अगेंस्ट डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेरे यहां पर एक्सम्शन क्या है कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज इक्वल टू टेन एंड प्राइस ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू ट्वेंटी फार्मर डिसाइड्स किस इन दार्केट तो देखिए रेवेन्यू क्या होंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा अराउंड वन थाउजेंड देखिए फ्रूट्स तो मैक्सिमम क्वानिटी ऑफ फ्रूट जो है यहाँ पे हम शो कर रहे हैं दट इज इक्वल टू फिफ्टी अगर मैं इस फिफ्टी को 20 से मल्टीप्लाई कर दो अगेन तो क्या होगा रेवेन्यू ऑफ फार्मर इज इक्वल टू 1000 और इन दोनों और वर्टिकल इंटरसेप्ट के दरमियान क्या है इट रिपोर्ट्स डिफरेंट ऑफ़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू इक्वल टू 1000 सो दिस नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन इज एन आइसो रेवेन्यू लाइन अब अगर हम यहां पे अज्यूम करें कि देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स द प्राइस ऑफ वेजिटेबल टेन रुपीज से स्पोज हो गई रुपीज फाइव पर यूनिट अब टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फार्मर रिक्वायर डबल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स टू अपटेन वन थाउजेंड रेवेन्यू ऑफ वन थाउजेंड रुपीज और अगर इसी पैट में हम एज्यूम कर लें कि देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स प्राइस ऑफ वेजिटेबल टेन से ट्वेंटी हो गई तो द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ही कैन ऑबटेन बाय सेलिंग हाफ क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स के जी आवर आइसो रेवेन्यू कर विल बिकम स्टीपर इफ प्राइस ऑफ वेजिटेबल इंक्रीजेस आवर आइसो रेवेन्यू कर विद रेफरेंस टू ओरिजिनल बट आइसो रेवेन्यू कर विल बिकम फ्लैटर वेन प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीजेस लेकिन यहां पे मेरी एजम्सन क्या थी प्राइस ऑफ फ्रूट रिमेन कॉन्स्टेंट देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फ्रूट अब अगर इसी चीज को हम कुछ इस पैटर्न पर डिस्कस कर लें कि देर ए प्राइस ऑफ वेजिटेबल इफ रिमेन कॉन्स्टेंट एंड देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्रूट टू ऑबेन सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फार्मर हैज सेल डबल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट इन दार्केट फिर इसी पैटर्न पर अगर हम बात करें कि जी इफ प्राइस ऑफ फ्रूट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्रूट फार्मर कैन ऑप्टेन सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग इवन हाफ क्वांटिटी ऑफ दी फ्रूट दैट ही इज प्रोड्यूसिंग व्हेन ही इज गेटिंग रेवेन्यू अगेंस्ट ओरिजिनल रेवेन्यू कर अब यहां पर क्या है कि वेन प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिमेन कॉन्स्टेंट

आउटवर्ड भी शिफ्ट करेगी जब आपके मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने एक्सपेंडिचर्स चेंज करेंगे ऑन दीज टू क्वांटिटीज अगर हम बात करें देयर इज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स ऑन द दर्चेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेकिन मेरी एजम्पन क्या है देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी योर आइसो रेवेन्यू कर विल मूव डाउनवर्ड और ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है आइसो रेवेन्यू कर्व रिपोर्ट लेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एज कम्पेयर टू ओरिजिनल आइसो रेवेन्यू कर्व. लेकिन अगर हम यहां पर एज्यूम कर लें कि देर इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाई कंज्यूमर्स ऑन परचेज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देन क्या हो जाएगा मेरी यहाँ पे एजम्पन क्या है कि कंज्यूमर इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल बाई ट्वेंटी परसेंट जी इनिशियली वो अगर मैक्सिमम क्वांटिटी वेजिटेबल्स की 100 यूनिट परचेज रहे तो अब वो कितना परचेज ऑफ वेजिटेबल्स तो देन क्या होगा इट विल इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ फार्मर वेन एवर इन देर इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाई कंज्यूमर अवर आईसो रेवन्यू कर विल शिफ्ट अपवर्ड हां जी सारी डिस्कशन से आप एक चीज तो अंडरस्टैंड कर गए हो गए वैन एवर प्राइस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल चेंजेस इट रिजल्ट चेंज इन स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू कर लेकिन अगर वहां पर प्रोपोर्शनल चेंज आए इन द ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन दिज टू कमोडिटीज देन आवर आइसो रेवन्यू कर द फॉर्मर विल शिफ्ट आई दर डाउनवर्ड आर अपर्ड डाउनवर्ड का मूव करेगी वेन देअर इज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स और अप कब ये मूव कर जाएगा जब देर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स बाय कंज्यूमर ऑन दिस टू कमोडिटीज